राजस्थान के वरिष्ठ नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौर साहब, विधायक प्रत्याशी अशोक जी पिंचा जी, मुकेश जी दादी जी, मधुसूदन जी, सत्यनारायण जी पूर्व प्रधान, बैरू सिंह जी पूर्व प्रधान, मुरलीधर जी, रणजीत सारण सिंह और बाहर से पधारे हुए मेरे पिताजी बुजुर्गो, नौजवान साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आज तो सिर्फ ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है। मैं भाई साहब को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पार्टी तो मैंने बहुत देखी है। मैं 85 से समझदार हो गया था पार्टी के अंदर, जनता दल और बहुत पार्टी देखी है। और 12 के अंदर हम बीजेपी में भी थे, 93 में जो चुनाव हारा था नरेंद्र चिपड़ानिया के सामने। उसके बाद 1998 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, जब से लेकर आज तक। और मैं 1995 से लेकर किसी न किसी रूप में पंचायत राज शाखा से जुड़ा हुआ हूं और जीत कर आता हूं, चाहे सरपंच के रूप में आओ, चाहे पंचायत सदस्य के रूप में आओ। ये आपका और ये सामने बैठे हैं मेरे भाई, इनका आशीर्वाद है। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जितना मेरे को ध्यान है नजदीकी से मेरी पार्टी देखिए, इतना शायद मधु जी को नहीं होगा, ये कांग्रेस में रहे हुए। तो मैं दो बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं। एक तो आपके दबाव आना, टेलीफोन उठाना और तुरंत टेलीफोन पर वापिस जवाब देना। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने दो काम बहुत अच्छे किए थे। एक तो आपके जो ये प्रधानमंत्री आवास, मैं पीछे सरपंच था और कांग्रेस से था, लेकिन मैं सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पार्टी का राज हो उस पार्टी में कोई स्कीम बने उसमें ये नहीं लिखा हुआ होता है कि ये सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे, उन्हीं के लिए है। मैंने 936 मकान आपके सूची में डलवाए थे। जब तक राज बीजेपी का रहा उस टाइम बहुत मकान आए, और अब 3 साल के अंदर ये मतलब कान खेच रहे लोग कि उस लिस्ट के क्या हुआ, उस लिस्ट के क्या हुआ। मेरा कहने का मतलब है विकास नाम की चीज नहीं है, ये जो है खींचतान में भी नहीं डालते हैं। दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने जो किया ये घर घर कनेक्शन, ये पब्लिक के लिए, माता और बहनों के लिए, मतलब सिर पे गड़ा नहीं होना पड़े, बहुत अच्छा काम है। इसी में भी इस राज के आने बाद अरुणता मिली है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे नेता हो तो विकास की शायद ये 4-6 महीने की बात है, उसके बाद राज भी चेंज होना है। अभी जो मेरे मित्र भी हैं राजेंद्र जी गुड्डा, उन्होंने कहा कि ये फॉर्चूनर के अंदर आएंगे, ज्यादा होगा तो दो फॉर्चूनर के अंदर आ जाएंगे, उनसे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। जय हिंद, जय भारत।